नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि चंद्रबाबू नायडू योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर चल रहे हैं और आज सुबह 5:30 बजे सुबह YSRCP यानी जगन मोहन रेड्डी का जो पार्टी का सेंट्रल ऑफिस था वहां पर बुलडोजर चलाएगा, ये कहते हुए कि पार्टी का जो ऑफिस है वो अवैध जमीन पर बना हुआ है और इसलिए नायडू साहब ने वहां पर बुलडोजर चला दिया। अब जगन मोहन रेड्डी का ये कहना है कि ये तो बदले की राजनीति से किया हुआ है और ये गलत है। उनके पास कोर्ट ऑर्डर था, वो लोग एक दिन पहले जगन मोहन रेड्डी कोर्ट गए थे और ये कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है चंद्रबाबू नायडू ने। तो आंध्रा में इस तरीके का बुलडोजर राज चलाना, तो नायडू की छवि बुलडोजर इस्तेमाल करने से कैसी हो रही है, आंध्रा की जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा और क्या योगी आदित्यनाथ की नकल करते हुए चंद्रबाबू नायडू नजर आ रहे हैं। इस समय हमारे साथ आंध्रा से ही प्रशांत कुमार, जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत कुमार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज सुबह ये जो 5:30 बजे बुलडोजर चलाने की जो खबर आई है, इसको लेकर कितनी हलचल है आंध्रा में कि चंद्रबाबू नायडू ने आज जगन मोहन रेड्डी के ऑफिस पर बुलडोजर चलवा दिया। जी, पहली बात तो जग ये जो बुलडोजर चलाने की खबर आ रही है, इसका थोड़ा अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो जो औपचारिक सूत्र है ये बता रहे कि इस जहाँ पे ये पार्टी का ऑफिस बनाया जा रहा है उसका NGT का क्लियरेंस नहीं है और उस इलाके में, उस एरिया में NGT ने कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए मना किया हुआ है। उसके बावजूद भी जब जगन मोहन रेड्डी ने अपना सत्ता में तेज सत्ता का दुरुपयोग कर अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाकर उन्होंने वहां पे परमिशन लेने की कोशिश किए थे, ये जो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस अभी व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहे हैं कि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो अर्बन डेवलपमेंट वहां पे इंजीनियर है उन्होंने ये लिखा है कि आई एम इशूइंग दिस परमिशन वायलेटिंग द क्लॉज ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ऑर्डर बोल के। तो स्टेट गवर्नमेंट, अभी जो चंद्रबाबू नायडू अभी एक हफ्ते पहले उन्होंने जो कमान संभाला है तो उनके नजर में ये विषय जब लाया गया था तो उन्होंने ये बुलडोजर चलाने की आदेश किया है। बुलडोजर चलाना मैंने ही, मतलब आई डोंट वांट टू कंपेयर, मैं योगी की बुलडोजर चलाना और यहाँ इस चीज को तुलना नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वहाँ यूपी का जो परिस्थिति अलग है और यूपी में बुलडोजर चला गया था गुंडे और क्रिमिनल्स के ऊपर, तो यहाँ पे जो बुलडोजर चला गया था वो तो एक इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर हुआ था। तो जब इलीगल कंस्ट्रक्शन और जब विपक्ष में थे, तेलुगुदेशम पार्टी ने इस विषय के ऊपर हमेशा अपने कैंपेन में अपन के चुनाव के प्रचार के दौरान उन्होंने कई बार इस चीजों को उन्होंने बताया, जनता के सामने रखा है। केवल पार्टी कार्यालय नहीं है, वाइजा के अंदर एक बड़ा पैलेस बनाया गया था जिसको ऋषिकोंडा पैलेस के नाम से किया जाता है, उसमें भी जगनमोहन रेड्डी ने पूरा का पूरा NGT का एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं है, पूरा कानून का उल्लंघन किया है और उस पर फाइन भी डाला गया था कोर्ट के द्वारा। चीज है कि जिस समय जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने भी इसी तरीके से चंद्रबाबू नायडू की बिल्डिंग्स पर भी उन्होंने बुलडोजर चलवाए थे और आज वही जगनमोहन रेड्डी फिर रो रहे हैं कि देखिए ये तो बदले की राजनीति है। आपको क्या लग रहा है कि क्या ये बदले की भावना से चंद्रबाबू नायडू ने किया? ठीक है, लीगैलिटी एक एस्पेक्ट है, आपने कहा कि वो इलीगल जमीन पर बना हुआ है, लेकिन इसके पीछे की जो राजनीति है वो क्या लगती है आपको? नहीं, राजनीति ये लगता है, देखिए जो एक्ट जगन मोहन रेड्डी ने किया है कि बुलडोजर चलाना, जब चंद्रबाबू नायडू का एक जिसको कहते हैं प्रजा वेदिका ये होता है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म, जब चंद्रबाबू नायडू CM थे उन्होंने एक अपने घर जो प्रवास है उसके पास ये प्रजा वेदिका बनाया गया था जहाँ पे लोग, पार्टी कार्यकर्ता और जनता जो आके CM से डायरेक्ट मिल सकते थे, तो उस वो एक निशान था। वो हमेशा TDP पार्टी और चंद्रबाबू नायडू ये दिखाते कि हम पब्लिक, मतलब हम जनता प्रो पीपल गवर्नमेंट है, तो वो दिखाने के लिए वो वेदिका, प्रजा वेदिका था। तो जनता
ये नहीं चाहते कि जगनमोहन रेड्डी उस समय कि ये नहीं होना चाहिए प्रजा वेदी का, मतलब ये उनका निशान है, तो उन्होंने तोड़ दिया था उस पे। तो सेम अगर इस बात देखा गया तो यहाँ परमिशन नहीं था और ये कानून का उल्लंघन हुआ था। अभी बदलाव की राजनीति कहना, अभी इट इज टू अर्ली टू प्रेडिक्ट, क्योंकि अभी सरकार आके कल ही, आज ही सदन का वो सत्र शुरू हुआ है, कल ही सॉरी, तो आगे 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद पता चल जाएगा कि अगर ये बुलडोजर सही में कहीं और व्यक्तिगत रूप से अटैक हो रहा है, उस चीज को देखना है। तो इट इज टू अर्ली टू प्रेडिक्ट नाउ। लेकिन प्रशांत, जो जगनमोहन रेड्डी का रिएक्शन आया है कि इन्होंने एक डिक्टेटर की तरह बुलडोजर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, तो इस पूरी चीज का जो एक इम्पोर्ट है आंध्रा की राजनीति पर, आपको क्या लग रहा है कि आंध्रा के लोग इस तरीके की बुलडोजर की राजनीति पसंद करते हैं या नहीं करते? देखिए, अगर बुलडोजर की राजनीति जो यूपी में चला गया था वो अलग है, और यहाँ पे अभी जनता इस ऊपर चर्चा, अभी मतलब पब्लिक ओपिनियन अभी इसके ऊपर अभी फॉर्म नहीं हुआ है। अभी अभी लोगों के ऊपर की क्या हो रहा है, उनके क्या उनकी क्या ओपिनियन है, वो क्या इस चीज को किस तरह देख रहा है, अभी असेस करना बहुत अर्ली है। ये 1 हफ्ते के बाद पता चल जाएगा। लेकिन आज मैं एक चीज बताता हूँ आपको, एक चीज मैं आपको यहाँ पे सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि आज विधानसभा के अंदर चंद्रबाबू नायडू ने ये जवाब दिया था कि हम बदलाव की राजनीति नहीं करेंगे। जो पिछले जगनमोहन रेड्डी सरकार ने जिस तरह का प्रताड़ित किया है और उनके कार्यकर्ताओं पर अटैक किया है और उनके ऊपर बदलाव की राजनीति के जैसा उनके ऊपर शासन किया है, वो मैं नहीं करूंगा, मैं वो गलती नहीं करूंगा। ये बात उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है। और अभी देखते हैं कि इट इज कि आने वाले दिनों में क्या वो अपने बात के ऊपर साबित होंगे, क्या वो पक्का रह पाएंगे, ये समय बताएगा। प्रशांत, आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान एक लाल डायरी या एक लाल डॉक्यूमेंट की बात कही जा रही थी, जिसमें कि चंद्रबाबू नायडू और उनके जो बेटे हैं नारा लोकेश, वो सबका नाम नोट करते चले जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी ये तो शुरुआती दिन है, आज उन्होंने बुलडोजर चलाकर एक पहला सैंपल दिया है, जिसको लेकर जगनमोहन रेड्डी ये कह रहे हैं कि देखिए ये तो बदले की राजनीति है, वेंडेटा पॉलिटिक्स की जा रही है, लेकिन अगर लाल डायरी में वो जो नाम है इनको क्या चुन चुन कर उन लोगों को अप्रताड़ित किया जाएगा या जेल भेजा जाएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर उस लाल डायरी में नाम नोटेड है तो बिला वजह तो डायरी में नाम नोट किए नहीं जा रहे होंगे, उसको देखते हुए कुछ ना कुछ तो राजनीति होगी दिमाग में चंद्रबाबू नायडू के। देखिए, जो लाल डायरी की बात लोकेश ने किया कहा था अपने चुनाव के दौरान, कई जनसभाओं में इस बात को उन्होंने दोहराया था, वो लाल डायरी जो है वो अधिकारी जो जगनमोहन रेड्डी के पक्ष में जो काम कर रहे थे, जो उनके मतलब कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे थे, उनके लिए कहा गया था। वो किसी ऐसे व्यवस्थाओं के ऊपर कहने वाली बात नहीं थी। तो वो सीधा टारगेट ये था कि जो भी कानून का उल्लंघन करके जगनमोहन रेड्डी का सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए ऊपर एक्शन होगा, ये तो बात उन्होंने कहा था। लेकिन हाल ही में अभी जैसे ही टीडीपी और जनसेना पार्टी अलायंस की जीत के बाद, जनसेना अधिनेता का और टीडीपी नेता जो चंद्रबाबू नायडू है, इन दोनों का बयान अगर आप देखेंगे, इन्होंने बहुत स्पष्ट किया है कि हम लोग बदलाव की राजनीति नहीं करेंगे। जो पहले सीएम ने गलतियां किया है, जो उन्होंने जिस तरह का माना हो का उल्लंघन किया है, हम उस रास्ते में नहीं जाएंगे, उन्होंने स्पष्ट किया। इसका मतलब ये है कि रेड डायरी का कोई महत्व नहीं है। नहीं, लेकिन रेड डायरी जिसकी बात कही जा रही है उसका महत्व नहीं है तो किस मकसद से चंद्रबाबू नायडू ने किया था, और क्या हम उनको ये सही ठहराएंगे? हम ये कहेंगे कि पॉलिटिकल मूव जो चंद्रबाबू नायडू का, क्या वो सही है? जी देखिए मैम, अगर आप एक बार रिकॉर्ड चेक करके देखेंगे तो चंद्रबाबू नायडू ने कभी रेड डायरी की बात नहीं की। बात तो ये रेड डायरी की थी नारा लोकेश ने, उनके बेटे ने, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो एक युवा है और अपने कार्डर को बचाने के लिए और उनके अंदर एक उत्साह, एक उमंग पैदा करने के लिए उन्होंने ये बात कही थी उसे। मुझे नहीं लगता कि ये आंध्रा की राजनीति जिस तरह मैं देखता हूँ यहाँ पे कामयाब होना, इस तरह की चीजें, ये तो
पास्ट में इतिहास में कई नेताओं ने ऐसी चीजें कही थी जब अपोजिशन में थे, लेकिन जब सत्ता में आए तो ऐसा कभी किसी ने उसको लागू नहीं किया है। कि पहले भी राजशेखर रेड्डी जब सीएम थे उन्होंने भी ऐसी कई बात कही थी अपोजिशन लीडर में कि हम इस जैसे हम सत्ता में आएंगे हम इस अधिकारी का ऊपर चार्जशीट लगाएंगे, इस मंत्री को ऊपर चार्जशीट लगाएंगे, ये सब के ऊपर इंक्वायरी होगा। ये सब तो मैडम जब विपक्ष में रहते तो लोग कह ही जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद मुझे नहीं लगता वो कितने कामयाब होंगे। अभी तक तो नतीजे जो पिछले अगर आप देखेंगे इतिहास तो ऐसा हुआ नहीं है। अब आने वाले समय बताएगा क्या वो इतने जिद्दी रहेंगे कि भाई हमने जो कहा था उसको करके दिखाएंगे। तो जिस तरीके की एब्सोल्यूट मेजोरिटी चंद्रबाबू नायडू को मिली है और जो जी शुरुआत वो कर रहे हैं कि भाई सीधे सीधे जगनमोहन रेड्डी के ऊपर सबसे पहला हमला है, वो भी कोर्ट के आदेश के उल्लंघन करके वो अगर इस तरीके की छवि अपनी बना रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि नायडू की छवि एक डिक्टेटर की छवि बन सकती है? मैम, अभी देखिए मैम, डिक्टेटर की छवि मुझे नहीं लगता इस चीज को आंध्रा की जनता मानेंगे। अगर इस तरह का वो गलतियां जो जगन मोहन रेड्डी ने किया अगर चंद्रबाबू नायडू करेंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ऐसा एक शासक है जो हमेशा पब्लिक फीडबैक लेता है। मतलब ही ऑलवेज रिमेन्स कॉन्टेक्ट विद द पब्लिक, पब्लिक पल्स को बहुत रेगुलरली असेस करने में बहुत एक्सपर्ट है वो। तो अगर उनको पब्लिक पल्स में अगर उनको लग रहा है कि अगर वो डिक्टेटरशिप पे जाने से उनको अच्छा लग रहा, क्या पता वो कर भी सकते हैं। अगर उनको लग रहा नहीं ये नेगेटिव मैसेज आ रहा है पब्लिक में तो वो नहीं कर पाएंगे। ये दो चीजें हैं लेकिन मैडम। हाँ, लेकिन इस खबर से कितनी सनसनी है इस समय आंध्रा के पूरी राजनीति में, क्योंकि आज नॉर्थ के जितने भी पेपर्स हैं उन सबने इसको रिपोर्ट किया है कि भाई नायडू साहब ने भी अपना बुलडोजर चला दिया। और ठीक है, वो कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है योगी आदित्यनाथ से, बट ऐसा लग रहा है कि इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कुछ उसी तरह से वो भी अपने राज को चलाना चाहते हैं बुलडोजर के जरिए। तो नायडू के राज में बुलडोजर कितना अहम, क्या एक हथियार उनके हाथ में बन सकता है जैसे योगी ने देखिए बनाया मैम, है? देखिए जो उत्तर भारत के जो मीडिया हाउसेस है उनको सुर्खियों में लाने के लिए या किसी चीज, क्योंकि बुलडोजर कहीं भी किसी राज में दिखता है वो योगी के बुलडोजर से तुलना करना बहुत स्वाभाविक है वो। लेकिन यहाँ के जो परिस्थितियां है तो वो अलग है। ठीक है, आज भी जनता देखिए ब्रूट मेजोरिटी टीडीपी और जनसेना को मिला है, उनके पास अपने टारगेट एजेंडा कुछ और है। तो मुझे ये साफ दिखाई देता है कि मुझे नहीं लगता कि वो आगे इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बुलडोजर पर उनका फोकस नहीं रहेगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं देगा जी, ये ओके प्रेसिडेंस बताता है जिस तरह का। देखिए अब 4 बार मुख्यमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री बने चंद्रबाबू नायडू ने, उन्होंने कभी ऐसी चीज तो किया नहीं है। अगर इन्होंने इस बार किया है उसको ऊपर कोई दिया है, उसके ऊपर कोई पक्का सबूत होगा, उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होगा। और जो हमको ये बताया जा रहा है कि ये एनजीटी का ऑर्डर को वायलेशन के ऊपर किया गया था। लेकिन अब सब लोग यही कह रहे हैं ना कि नायडू आए बुलडोजर राज लाए इस तरीके की। अब तो लोग कहेंगे मैम, लेकिन समय बताएगा कि वो इसी नजरिया से इसी व्यवहार कर रहे करेगा नहीं करेगा, ये तो आगे समय बताएगा मैम। लेकिन इट इज टू नायडू अर्ली की, टू प्रेडिक्ट। अगर मान लीजिए वो इसी तरह से बुलडोजर का इस्तेमाल करते रहेंगे, तो नायडू की छवि पर क्या असर पड़ेगा? नायडू की जो इमेज है, अच्छा उनकी तो एक डेवलपमेंट मैन की इमेज है कि वो विकास का कार्य करते हैं, जन जनधन की बात करते हैं, जन जन की बात सुनते हैं, उनकी जो छवि ये है। और अचानक से आते ही उन्होंने अगर ये बुलडोजर, तो वो वेट भी कर सकते थे थोड़ा। इतनी जल्दबाजी क्यों की नायडू साहब ने बुलडोजर चलाने में, और वो भी रेडी के मैं इस ऑफिस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि चंद्रबाबू नायडू ने जल्दबाजी में कोई काम किया है। चंद्रबाबू नायडू जी बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर और पॉलिटिशियन हैं। अगर उन्होंने ये बुलडोजर चलाया है, लेकिन अगर आंध्रा के कॉन्टेक्स्ट में इसको बुलडोजर चलाना नहीं कहते हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, किया है तो उन्होंने पूरा असेसमेंट करके, उन्होंने प्रोज एंड कॉन्स को पूरा देखकर उन्होंने ये काम किया है। ऐसे नहीं है कि इन्होंने एक तानाशाही तरह एक आदेश दे दिया है कि भाई तोड़ दो जो भी जगनमोहन रेड्डी के जितने भी उनके मूर्तियां हैं, जिनके भी उनके
इमारत है सब तोड़ दो, ऐसा तो नहीं कह सकते। मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसा कहा होगा, अगर किया होगा ये, इसको पीछे एक स्ट्रांग रीजन होगा, मैं ये बात को कह सकता हूँ। अगर आने वाले के ऊपर ऐसे ही उन्होंने फतवा जारी करे कि भाई ये जितने भी इमारत है जो भी जिसके ऊपर जगह तोड़े और उनका पिताजी का निशान दिखा दे रहे इसको तोड़ो, जनता बहुत पेशेंसी से देखेगी इस चीज को, फिर असेस करेगी। लेकिन जगन मोहन रेड्डी का क्या अगला मूव होगा? उन्होंने तो खुद ही कहा आज कि ये तो कोर्ट ऑर्डर के का उल्लंघन है, हमने कोर्ट से निर्देशन ले लिया था कि आप उस बिल्डिंग को नहीं गिरा सकते, लेकिन फिर भी इफ चंद्रबाबू नायडू हैज गॉन अहेड एंड यूज्ड अ बुलडोजर, तो अब जगन मोहन रेड्डी का अगला मूव क्या होगा आपके हिसाब से? अगला मूव ये होगा कि वो कोर्ट में अपील करेंगे इस चीज को। अगर कोर्ट में अपील करेंगे तो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बैठेगा कोर्ट के आदेश के ऊपर मेरे हिसाब से, तो फिर एनजीटी का भी एक टीम आके यहाँ पे सर्वे करेगा, वो देखेगा कि भाई ये वाज इट बिल्ड अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स और नॉट, वो तो चेक करेंगे इस चीज को। फिर उसके बाद अगर जो अभी हमको बताया जा रहा है कि कोर्ट कैन इवन डायरेक्ट दी एनजीटी टू मेक असेसमेंट ऑफ दिस थिंग, अगर वो करेंगे, अगर ओके उसमें रिपोर्ट में क्या आएगा ये देखना पड़ेगा। जहाँ तक हमको ये बताया जा रहा है कि ये थोड़ा जल्दीबाजी में जगन मोहन रेड्डी ने इस चीज को आगे बढ़ाया, 5 साल वो सत्ता में था तो इसके ऊपर फोकस नहीं किया, जब उनको लग रहा था कि भाई सत्ता में आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो इमिडिएटली इसने कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जगन मोहन रेड्डी जी को भी पता है कि इसमें कुछ फ्लॉस है, लेकिन वो पॉलिटिकल इशू बनाना चाह रहा है, लेकिन वो इतना नहीं हो पा रहा, उठ नहीं पा रहा है, जनता में नहीं जा रहा है इस चीज को। लेकिन प्रशांत, अब जो अगला सवाल है वो ये है कि जगन मोहन रेड्डी का एक इक्वेशन बीजेपी के साथ भी था और अब बीजेपी जनसेना के साथ है, टीडीपी के साथ है, तो आपको क्या लग रहा है कि जो बीजेपी और जगन मोहन रेड्डी के जो संबंध है वो क्या होंगे? क्योंकि केंद्र में बीजेपी भी है, केंद्र में अब चंद्रबाबू नायडू भी हैं, तो चंद्रबाबू नायडू को कंट्रोल करने के लिए क्या आपको लगता है कि केंद्र में जो बीजेपी बैठी है उसका कुछ ना कुछ एक सॉफ्ट कॉर्नर जगन मोहन रेड्डी के साथ रहेगा? मैम देखिए कि लोकसभा में 21 सीट है, टीडीपी और जनसेना अलायंस का है, राज्यसभा में 11 सीट है, वाईएसआरसीपी का है। तो आज के दिन में केंद्र में एनडीए सरकार को राज्यसभा में बहुमत चाहिए, तो 11 सीट बहुत ज्यादा होते हैं, इस चीज को हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, सत्ता में आज वो उनका गठबंधन टीडीपी के साथ है, प्रदेश में वो भी गठबंधन का एक दल है, वो भी सरकार में हिस्सा है उनका भी, एक बात ये है। लेकिन ये 11 राज्यसभा MP सीट जो जगन मोहन रेड्डी के पास है, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी को सरकार चलाने में केंद्र में वो भी जरूरत पड़ेगा। तो जहां तक मेरा अनुमान ये है कि दे विल गो विद अ बैलेंस्ड अप्रोच। तो आपको नहीं लग रहा है कि वहां पर कोई ऐसी बहुत अग्रेसिव राजनीति चंद्रबाबू नायडू फिलहाल कर पाएंगे, ऐसा नहीं आपको लग रहा है? देखिए मैम, चंद्रबाबू नायडू का एक ही टारगेट ये है, उनका एक ही आगे का प्लान ऑफ एक्शन ये है कि वो केंद्र सरकार से यही डिमांड करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस और बेलआउट पैकेजेस मिले स्टेट के लिए जो फाइनेंशियल क्रंच में हैं, उनका फोकस तो इसी पे होगा। उनका फोकस मुझे ना लगता है कि केंद्र पे ये होगा कि आप जगन मोहन रेड्डी को जेल में डालो, इनको टॉर्चर करो, इस चीज पे उनका कम कम ध्यान रहता है। ध्यान हालांकि रहता है, मैं कह रहा हूँ कम ध्यान रहता है, उनका ध्यान यही रहता है कि आज जिस फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट और इस चीज में आज स्टेट का हालात है उसको सुधारने में ही उनका टाइम फोकस रहता है, और उनका पार्टी को मजबूत और करने के लिए उनको फोकस रहता है, और सेंटर में सेंटर से जितना ज्यादा से ज्यादा अधिकतर उनको क्या सपोर्ट मिल सकता है उनका फोकस उसी में रहता है। जो पोर्टफोलियो उनके दल को मिला है केंद्र में, वो भी इतना महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो मैंने मानता हूँ, जो हाँ भी मिला है वो उसे खुश है, लेकिन उनका प्राइमरी एजेंडा और प्राइमरी टारगेट यही रहता है कि स्टेट्स आंध्र प्रदेश को, अगर हो सकता है वो कल के दिन में ये भी डिमांड करेंगे, स्पेशल पैकेज भी डिमांड कर सकते हैं, और मतलब उसी दायरे में वो कुछ ना कुछ जो है अपने स्टेट के लिए फंड्स लाने के लिए वो अपने प्रायोरिटी एजेंडा में लगाएंगे।
चलिए तो देखना होगा। आज फिलहाल तो नायडू का बुलडोजर जो चला है उसकी वजह से आज बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनी है। देखेंगे कि क्या कुछ नायडू साहब करते हैं। और वो लाल डायरी का जो आखिरी सवाल आपसे करूंगी बस चलते चलते, कि ये जो नायडू नारा लोकेश की जो लाल डायरी थी जिसका जिक्र बार बार चुनाव के दौरान आया था, तो आपको लगता है कि इस लाल डायरी में जो भी उन्होंने नाम नोट किए हैं उनके खिलाफ ऐसा कोई टॉर्चर या बहुत ज्यादा प्रताड़ना एकदम से नहीं शुरू कर देंगे नायडू साहब? मैम देखिए, आप लाल डायरी की बात देखिए, लाल डायरी नाम कभी चंद्रबाबू नायडू से या जनसेना पवन कल्याण के मुंह से कभी नहीं निकला। ये सिर्फ नारा लोकेश ही इस बात को जिक्र करते थे कि एक तरह जो अधिकारी जगन मोहन के पक्ष में काम कर रहे हैं उनको थोड़ा न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको डराने के लिए वो एक एजेंडा, वो एक स्ट्रेटेजी था। वो नहीं तो स्ट्रेटेजी यानी कि कोई फिक्टिशियस चीज थी या वाकई में एक लाल डायरी है जिसमें कि सारे नाम नोट किए गए? लाल डायरी का ना नाक है ना पूंछ है मैम। अच्छा, डू नॉट नो कि उस लाल डायरी में क्या है, ऐसा किसी ने देखा नहीं है वो लाल डायरी के है क्या उसमें। ठीक है मैम, जहां तक अधिकारियों का नाम अगर है उसमें, अधिकारियों को क्या कर सकते हैं आप? सस्पेंड करेंगे अगर चार्जेस आर प्रूव्ड, दे विल बी सस्पेंडेड। ऑब्वियसली अगर वो लोग कुछ ऐसी कानून के बाहर उन्होंने कुछ काम किया है तो उसके ऊपर इंक्वायरी होगा। वैसे जो अधिकारी फेवर करके जैन मोनडी के साथ अपने रहकर पोस्टिंग से एंजॉय किया, उनको लूपलाइन में डाला जाएगा, उनको कोई ऐसा कोई महत्व कोई विशेष पोस्टिंग नहीं मिलेगा उनको, यही हो सकता है। चलिए तो देखना होगा कि क्या कुछ होता है आगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका भी, थैंक यू।